स्पेशल रिपोर्ट में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चिदंबरम के द्वारा आज पेश किए गए वोटों से भरे सूटकेस की, वो सूटकेस जिसको लेकर चिदंबरम आज संसद पहुंचे और पिटारा जब खोला तो उसमें इलीट क्लास से लेकर आम आदमी तक के लिए ऐसा बहुत कुछ था जिसके दम पर यूपीए सरकार आम आदमी को लुभाने की कोशिश करती नजर आई। कुल मिलाकर अंतरिम बजट आज पेश कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। चिदंबरम ने इनकम टैक्स में राहत देते हुए इसमें कोई बदलाव न करने का ऐलान किया, साथ ही कई चीजें सस्ती करने की भी घोषणा की। चिदंबरम का पिटारा खुलने से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस अंतरिम बजट के जरिए वोटों का आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लाल रंग का सूटकेस जब लोकसभा में खुला तो एक के बाद एक घोषणाओं की बरसात होने लगी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स में बदलाव नहीं किया जाएगा, साथ ही करों में एक रूपता लाने का लक्ष्य तय करने की भी बात कही गई। चिदंबरम ने कहा कि वित्तीय घाटा कम हो रहा है और महंगाई काबू में है, विशेष सरकारी योजनाओं पर मंदी का असर कम हुआ है, बीते 10 साल में 1 करोड़ नौकरियां दी गई। Going forward, I appeal to all political parties to join me in the pledge that we shall never do anything that will affect the stability of the foundations of India's economy. UPA 2 का बखान करते हुए चिदंबरम ने कहा कि विकास दर सबसे अच्छे दौर में रही, हमारे काम का आकलन इतिहास करेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के मुकाबले हमारे देश की आर्थिक हालत बेहतर है, हमने देश के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए। चिदंबरम ने लोगों को कई चीजों को सस्ता करने का तोहफा दिया। उन्होंने छोटी कारें, ट्रक, बस, SUV, बाइक, फ्रिज, TV, देसी मोबाइल और साबुन सस्ते करने का ऐलान किया। चिदंबरम ने कहा कि 2015-16 तक वित्तीय घाटा 3% लाने का लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आता है। GDP के आधार पर भारत 11वां सबसे बड़ा देश है। सब्सिडी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सिर्फ जरूरत होने पर ही सब्सिडी देने का लक्ष्य है। LPG सब्सिडी के लिए 3,370 करोड़ दिए गए। चिदंबरम ने UPA सरकार की अहम योजनाओं को बजट देने का भी ब्यौरा दिया। Another sum of rupees 3,370 crore has been transferred to 2.1 crore LPG beneficiaries. The latter scheme has been put on hold for the time being, pending resolution of some difficulties that have been pointed out. चिदंबरम ने रक्षा क्षेत्र पर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा CRPF को अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में एक रैंक, एक पेंशन को मंजूरी दी गई। वहीं चिदंबरम ने आधार कार्ड पर कहा कि देश में 57 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए हैं। स्पेशल रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो कुल मिलाकर चिदंबरम के पिटारे में अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, इसके अलावा युवाओं को रोजगार, युवाओं को पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाना, महिलाओं को सुरक्षा देना, देश की सुरक्षा और इसके साथ साथ पहाड़ी इलाके जो हैं उनकी सुरक्षा, ये सब कुछ इस पिटारे में था। जाने के लिए जुड़ते हैं एक बार फिर अपने संवाददाता अरविंद पांडे के साथ। अरविंद, एक सूटकेस से चारों तरफ, देश की चारों दिशाओं में कौन कौन रह रहा है और इसको क्या जरूरत है वो पूरी करने की कोशिश की गई, ताकि जब चुनाव हो तो चारों तरफ से वोट की बारिश कांग्रेस के लिए हो। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए सिर्फ चुनाव हो और इसलिए पूरा किया जाए ये कहना बहुत सही नहीं है, क्योंकि सरकार कोई भी देश की आवाम जब चुनती है तो इस भरोसे पे चुनती है कि उसकी जिम्मेदारी होगी, जो चीजें उसे चाहिए वो सरकार उसे दे। तो चुनावी चश्मे से राजनीतिक पार्टियां इस बजट को भले देखें, लेकिन हकीकत इस देश की ये है कि जरूरत नहीं लोगों की बल्कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि लोगों तक वो पहुंचाए, चाहे वो कृषि क्षेत्र के आप बजट की बात कर रहे हो, चाहे वो रक्षा क्षेत्र के बजट की बात कर रहे हो, चाहे वो छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं, सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार इसलिए मुंह नहीं मोड़ सकती
क्योंकि जनता इसी वास्ते उसे चुनकर संसद हो, विधानसभा हो या फिर छोटे जिलों में नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, वहां चुन के इसीलिए भेजती है कि जो काम वो खुद नहीं कर सकती वो उनके मार्फत करवाती है, जो उसकी जरूरत है उसके लिए डिमांड करती है और उसी के लिए सारी कवायद की जाती है। जी बिल्कुल अरविंद, जिस तरीके से सेलफोन सस्ते किए गए, गाड़ियां सस्ती की गई, इसके अलावा और ऐसे सामान जो आम आदमी की जरूरत के होते हैं उनको सस्ता किया गया, कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस इसके सहारे ये आम आदमी तक पैगाम पहुंचाना चाहती थी कि जिस महंगाई के कारण सरकार घिरी हुई है दरअसल उससे वो रियायत आम आदमी को पहुंचाती नजर आएगी? देखिए वीरेंद्र, अगर कांग्रेस को ही पैगाम पहुंचाना चाहती थी तो शायद ये वक्त उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ है नहीं। और अगर वाकई में कुछ करना चाहती थी, दोनों सवाल हैं, एक पैगाम पहुंचाना चाहती थी या वाकई कुछ करना चाहती थी, तो अगर पैगाम पहुंचाने की कोशिश तो अब बेकार हो चुकी है, क्योंकि अब वक्त नहीं है। अगले 4 महीने के भीतर कभी भी देश में चुनाव हो जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, इसलिए हमने एक इस शब्द का इस्तेमाल किया पैगाम, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस ये पैगाम देना चाहती है कि हम उनके साथ हैं और महंगाई को दूर करने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, ये इसीलिए मैंने कहा कि अगर वो पैगाम देना चाहती है तो फिर उसके हाथ से ये वक्त निकल चुका है और वक्त उसके पास बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज, अगर वाकई वो गंभीरता के साथ, जैसा कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम खुद अपने भाषण में कह रहे थे, अगर गंभीरता के साथ करना चाह रही थी तो फिर उसको ये सब चीजें पहले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि अब वो जनता जो वोट करने जा रही है वो फैसला लगभग लगभग कर चुकी होगी कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। पिछले 10 साल से वो लगातार कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को देख रही है, उसके फैसले देख रही है और अपनी हालत भी देख रही है। खास बात यह है कि अपनी हालत देख रही है, यानी 10 साल में उसके साथ क्या क्या परिवर्तन हुए, उसकी जरूरतें क्या क्या बदली या उसकी जरूरतें जो थी वो कितनी पूरी हुई, कितनी बेहतर उसकी जिंदगी चल रही है, ये सारी चीजें जनता अपने साथ जोड़ के देखेगी। अब किसी नेताओं को, किसी नेता किसी पार्टी के मैनिफेस्टो या फिर उसके कार्यशैली का वक्त जो जांचने का था वो निकल चुका है। जनता अपने आप को सामने रखकर, आईने में रखकर और नेताओं पर पार्टियों पर फैसला करेगी। चलिए अरविंद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वाकई में लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पर इसका कितना असर होगा वो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन एक बार आपको फिर से सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि चिदंबरम के पिटारे में किसके लिए क्या था और उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को किस तरीके से पेश किया, जरा देखिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का अंतरिम बजट था तो वित्त मंत्री ने जमकर सरकार की उपलब्धियां गिनाना शुरू कर दिया। बजट को आम आदमी का बजट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लोकसभा में चिदंबरम के भाषण की हाइलाइट्स कुछ इस तरह से थी। इनकम टैक्स में बदलाव नहीं, करों में एकरूपता लाने का लक्ष्य, अनुसूचित जाति के लिए 200 करोड़ की मदद, रक्षा क्षेत्र में एक रैंक पेंशन को मंजूरी, सीआरपीएफ को अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराएंगे, निर्भया फंड को 1,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए, अनाज उत्पादन 255 मिलियन टन रहा, छोटी कारें बाइक सस्ती होंगी, 2015-16 तक वित्तीय घाटा 3% तक लाने का लक्ष्य, अमेरिका चीन के बाद तीसरे नंबर पर आना लक्ष्य, जीडीपी के आधार पर भारत 11वां सबसे बड़ा देश, सिर्फ जरूरत होने पर सब्सिडी देने का लक्ष्य, सभी राज्य जीएसटी लागू करने में सहयोग करें, फ्रिज टीवी सस्ते हुए, 3,370 करोड़ एलपीजी सब्सिडी के लिए दिए गए। यूपी सरकार की अहम योजनाओं को बजट, अल्पसंख्यक मंत्रालय को 371 करोड़ का फंड,
रेलवे को 29,000 करोड़ का बजट। महिला बाल कल्याण को 21,000 करोड़। पंचायती राज के लिए 7,000 करोड़। 57 करोड़ आधार कार्ड जारी। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 82,000 करोड़। 296 परियोजनाओं को मंजूरी। हमारे देश के हालात विकसित देशों के मुकाबले अच्छे हैं। हमने देश के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए। रक्षा क्षेत्र के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। सरकारी बैंकों के लिए 11,000 करोड़। पहाड़ी राज्यों को 1200 करोड़ रुपए का फंड। तकनीकी विकास के लिए 100 करोड़ रुपए जारी। LIC की 1,252 शाखाएं खोली। अल्पसंख्यकों के बैंक खातों की संख्या बढ़ी। 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को एजुकेशन लोन दिया। सही है, बजट पेश हो गया है, तोहफों की बरसात कर दी गई है, लेकिन ये बरसात लोकसभा चुनाव के मानसून में वोटों की बारिश में तब्दील होगी कहना जरा मुश्किल है। स्पेशल रिपोर्ट फर्स्ट इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।